अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अनबॉक्सिंग करेंगे जीटेप ब्रांड का एक शानदार स्मार्ट वॉच, और जो कि स्पेशली फॉर फीमेल के लिए। और ये वॉच में क्या क्या फीचर्स है, ये वॉच को आपका मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका खुद का फ़ोटो ये वॉच में कैसे सेट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाएगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट ये बॉक्स के ऊपर जो एक नाम लिखा रहेगा, जो जीटेप लिखा रहेगा, जो ब्रांड सीरीज़ है जीटेप ब्रांड का, और सेम स्मार्ट वॉच आएगा जो कि राउंड डायल में आएगा एंड सेम कलर आएगा। और वॉच का मॉडल नंबर है GT10 डायमंड एमोलेड स्क्रीन के साथ आएगा। ये लेफ्ट साइड में इसका पीछे का डिटेल्स और लुकिंग के बारे में देख के रखा, एंड राइट साइड में कौन सा कलर अवेलेबल है इसके डिटेल्स देख के रखा। एंड बॉक्स के पीछे आपको कुछ डिटेल्स है जो कि आपको एटफर्स्ट आपको एक QR कोड रहेगा एंड डाफिट ऐप्स का नाम भी रहेगा। ये जो ऐप्स है ये आपको एंड्रॉयड हो या ऐप स्टोर हो आपको डाउनलोड कर सकता है। और क्या क्या सपोर्ट है इसमें, इसके बारे में भी कुछ डिटेल है। इसमें आपको स्क्रीन साइज आएगा 1.2 इंच एमोलेड स्क्रीन, कॉलिंग सपोर्ट है, ब्लड ऑक्सीजन, मैसेजेस, स्टॉप वॉच, रिमोट कैमरा, मल्टी स्पॉट मोड, स्टेप काउंट, फुल टच, म्यूजिक कंट्रोल, हार्ट रेट, वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर्स, ETC, यानी सब कुछ इसमें आपको अवेलेबल है, जो पीछे डिटेल्स दे के रखा। तो आप चलिए जो बॉक्स है बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद देख लेंगे वॉच के साथ हमको क्या क्या एक्सेसरीज मिल जाता है। तो इधर एटफर्स्ट जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो इधर देख सकते हैं वॉच के साथ एक गिफ्ट दिख रहा है आपको। ये सिंपली एक ब्रेसलेट है जो कि स्पेशली फॉर फीमेल के लिए वॉच है, तो स्पेशली एक ब्रेसलेट भी दिया। तो इधर देखिए मैं इसको खोल के दिखा देते हैं। तो इसका जो ब्रेसलेट जो है वो भी देखने में अच्छा है, बहुत यानी सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल। तो स्पेशल एक ब्रेसलेट मिल जा रहा है, एंड देन जो स्मार्ट वॉच है मिल रहा है, देख सकते हैं इसका लुकिंग देखिए, शानदार स्मार्ट वॉच, बहुत ही ब्यूटीफुल स्मार्ट वॉच है। लुकिंग देखने में भी पता चल जाता है जो कि स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए, और आपको हाथ में भी अब जचेगा। तो देख लेते हैं साथ में और क्या क्या आता है। तो बॉक्स के अंदर दो छोटा छोटा बॉक्स रहेगा, इसके अंदर आपको एक के अंदर आपको रहेगा वॉच का चार्जर, और जो कि चार्जर रहेगा आपको USB 2 मैग्नेटिक चार्जर रहेगा। एंड देन और एक बॉक्स है छोटा, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका वॉच का जो स्ट्रैप, एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप मिल रहा है इधर आपको पिंक कलर का। आप चाहे इधर 20mm का कोई भी स्ट्रैप आप सेट कर सकते हैं ये वॉच में। एंड देन एक यूज़र मैनुअल गाइड है, GT10 यूज़र मैनुअल गाइड। तो इसमें सिंपली क्या कुछ फंक्शन के बारे में डिटेल्स दे के रखा, कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा ऐप्स आपको डाउनलोड करना है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स दे के रखा, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए जो वॉच है वॉच को लेते हैं, वॉच के बाकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये है नया GT10 डायमंड स्मार्ट वॉच जो कि जीटेप ब्रांड का है, और लुकिंग देखिए आप, लुकिंग चेक करिए, बहुत ही शानदार है, जैसे ऐसे ही लग रहा है जो ओरिजिनल डायमंड से ये बना हुआ है, और लुकिंग भी बहुत अच्छे है। आपको कोई स्पेशल पर्सन को जब आप ये गिफ्ट करते हैं तो एक्चुअली खुश हो जाएगा। तो इसका लुकिंग देखिए डायमंड की तरह, यानी जो स्क्वायर में देखे रखा, और एक ही बटन आता है इसमें, और नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग सेंसर एंड हार्ट रेट सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर आ जाएगा। तो अब चलिए जो वॉच है वॉच को हम ऑन कर लेते हैं, और जो बटन है इसमें आप कुछ सेकंड प्रेस करके होल्ड करके रखिए तो जो वॉच है वॉच ऑन हो जाएगा। तो हमारा वॉच ऑन हो गया, और वॉच ऑन होने के बाद देख सकते हैं वॉच फेसेस आ गया, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जो बटन है इसको आप घुमा के आप इधर से कुछ वॉच फेसेस चेंज भी कर सकते हैं, जो कि आप 7-8 मिल जाएगा आपको इधर। तो मैं टाइमिंग के लिए सिंपली ये वाला सिलेक्ट किया, आप दूसरा भी सेट कर सकते हैं। तो इसका जो फीचर्स है, जो आप अगर इसको ऊपर से अगर नीचे की तरफ स्वीप करते हैं ये वॉच को, तो इसका जो फंक्शन है मैं दिखा देता है। ऊपर से नीचे की तरफ स्वीप करने के बाद कुछ सेटिंग, शॉर्टकट सेटिंग मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको बैटरी का लेवल दिख जाएगा एंड राइस्ट बैंड, यानी जो एक ऑन है ये आपको ऑन रखना है। तो इधर आपको लो पावर मोड का भी आप पावर ऑन सिस्टम है, ये आप ऑन रख सकते हैं। एंड देन कॉलिंग का सिस्टम है, ये ज़रूर आप ऑन रखना, क्योंकि कभी कभी चार्जिंग के टाइम ये शो नहीं होता, तो मॉडल नंबर तो ऑन रखना है आपको। एंड देन इधर ऑक्सीजन लेवल चेक और स्टॉप वॉच का सिस्टम है। एंड नीचे से ऊपर की तरफ स्वीप करने के बाद इधर देख सकते हैं नो मैसेजेस का ऑप्शन ये आ जाएगा, जो मोबाइल का आपका मैसेजेस है इधर शो हो जाएगा। एंड लेफ्ट साइड से स्वीप करने के बाद वॉच का फुल मेनू आ जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा एक्टिविटी, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, कॉलिंग का फंक्शन एंड SpO2, स्ट्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी बहुत सारा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, जैसे आपको टाइमर है, अलार्म का सिस्टम है, स्टॉप वॉच है, एंड देन फाइंड फोन, कैलकुलेटर, गेम्स भी आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। देख सकते हैं 2-3 गेम भी आपको इसमें दिया है,
एंड देन सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद इधर आपको ब्राइटनेस का लेवल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, स्लीप यानी जो आपका वॉच कितना टाइम पे लाइट ऑफ होगा ये आप इधर से आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देख सकते हैं हम इसको 30 सेकेंड और 1 मिनट कर दिया हुआ। इसके बाद वॉच वेसेस मेनू व्यू यानी फुल मेनू व्यू आपको कैसा रखना चाह रहे हैं आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं जो फुल मेनू है। तो बहुत सारा ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। एंड ये वॉच को आपको जब राइट साइड से स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो इधर कुछ शॉर्टकट एक्टिविटीज़ मिल जाएगा, जैसे शॉर्टकट ऐप्स शो हो जाएगा, जैसे आपको वेदर है और भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो अब चलिए दिखाया जाता है ये जो वॉच है इसको आपको मोबाइल के साथ कैसे करना है, कौन सा ऐप्स आपको डाउनलोड करना है। तो सिंपली एट फर्स्ट आपको लेना है आपका मोबाइल, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, आपको सेम ऐप्स ही डाउनलोड करना है। जैसे मैं एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो प्ले स्टोर में जाने के बाद इधर आपको सर्च करना है सर्च बॉक्स में डा फिट, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऐप्स आपको डाउनलोड करना है। इसको आपको डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिएगा एंड देन ओपन करने के बाद एटफर्स्ट एग्री का ऑप्शन आएगा, आपको इधर से एग्री करना है एंड देन इधर से अलाउ का परमिशन आएगा, जो जो परमिशन आपको अलाउ मांगते हैं वो सब इधर से अलाउ कर दीजिए एंड ब्लूटूथ का परमिशन भी आपको इधर से ऑन करना है एंड आपका लोकेशन सर्विस अगर ऑफ है मोबाइल से ये भी आपको इधर से एनेबल करना है। तो हमारा लोकेशन ऑफ है तो हमने इसको ऑन कर दिया एंड देन इधर देख सकते हैं सर्चिंग हो रहा है डिवाइस। तो इधर कुछ सेकेंड जस्ट 5-6 सेकेंड आपको वेट करना है एंड देन हमारा जो मॉडल नंबर है GT10 ये इधर शो हो गया। एंड देन क्या करना है आपको, इधर आपको कनेक्ट का ऑप्शन जस्ट GT10 का जो ऑप्शन वॉच शो हुआ मोबाइल पे इसको जस्ट क्लिक करना है एंड इधर क्लिक करने के बाद अभी थोड़ा सेकंड वेट करना है कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद देखिए जो टाइम है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, जो पहले कुछ 10:40 था अभी 21:40 हो गया, यानी कनेक्ट होने के बाद टाइम एंड डेट ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कनेक्ट करने के बाद आपको ब्लूटूथ का एक रिक्वेस्ट आ जाएगा, वो भी आप कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता तो ब्लूटूथ के अंदर जाके GT10 का जो ऑप्शन है देख सकते हैं GT10 का नाम आ गया, इसको आपको क्या कनेक्ट करना है, देख सकते हैं कनेक्ट फॉर कॉल एंड ऑडियो। तो कनेक्ट करने के बाद आपका जो कॉलिंग वगैरह है वो डायरेक्ट आप वॉच से रिसीव करके बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक चलाते हैं एंड डन में क्लिक करते हैं एंड अलाउ कर देते हैं नोटिफिकेशन के लिए एंड नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिवाइस का, इसमें क्लिक करना है डिवाइस में एंड देन देख सकते हैं इधर बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इसमें जाने के बाद आप फोन कॉल का नोटिफिकेशन, मैसेजेस, फेसबुक सब इधर से ऑन कर सकते हैं। तो हम इधर से ऑन करके अलाउ कर देंगे एंड फेसबुक का नोटिफिकेशन भी ऑन कर देंगे। तो एक परमिशन मांग रहा है जो हम ऐप्स डाउनलोड किया इसका नोटिफिकेशन एक्सेस भी ऑन करना है इधर से एंड देन बैक चला तो जो जो नोटिफिकेशन चाहिए आपका वॉच में मोबाइल का ऐप्स का तो आप इधर से ऑन कर दीजिएगा। तो हम बैक चलाते हैं एंड देन इधर और भी बहुत सारा सेटअप मिल जाएगा जिसमें आपको नीचे की तरफ अदर्स का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करने के बाद टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन है। इसमें से आप क्या देख सकते हैं वॉच में 21:40 है तो इधर हम 12 आवर क्लॉक कर देंगे एंड डन कर देंगे। तो देखिए टाइम जो है वो एकदम 12 आवर क्लॉक सही हो गया। इसके बाद आपको ऑटो लॉक का कितना सेकंड रखना चाह रहा है वो हम पहले ही सेट कर लिया, आप रख सकते हैं। और भी बहुत सारा आपको सेटिंग ये मिल जाएगा इधर, हेल्थ का ऑप्शन और भी बहुत सारा सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो हम बैक चलाते हैं एंड बैक चलाने के बाद एकदम ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉच फेसेस, तो वॉच फेसेस के साथ एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एडिट में जब आप प्रेस करेंगे एडिट में तो इसके बाद ऐड टू ऐड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे इधर आपको बहुत सारा थीम्स मिल जाएगा वॉच में सेट करने के लिए। तो देख सकते हैं इधर आपको न्यू वॉच फेसेस, रिकमेंडेड, आर्ट, यानी बहुत क्वालिटी का आपको इधर फीचर्स मिल जाएगा। तो आप इधर से सेट कर सकते हैं और अगर आपका खुद का फ़ोटो आप सेट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, बैक आना है एंड बैक आने के बाद इधर जो वॉच फेसेस का ऑप्शन है इसमें से आपको क्या करना है, राइट साइड में से लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है एंड देन इधर एडिट का ऑप्शन है, आपको सिंपली एडिट में क्लिक करना है एंड देन इधर से भी आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है एंड देन चूज फ्रॉम एल्बम जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल का गैलरी है वो इधर शो हो जाएगा एंड आपका मोबाइल का गैलरी शो होने के बाद आप कौन सा फ़ोटो सेट करना चाह रहे हैं वॉच पे वो आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये वाला एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया वॉच में सेंड करने के लिए, यानी वॉच में सेट करने के लिए। इसके बाद डन का ऑप्शन है, डन में क्लिक कर दीजिए एंड देन आपका जो टाइमिंग का ऑप्शन है इधर से आप नीचे रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं एंड कलर का भी आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा कलर का टाइमिंग रख सकते हैं रखना चाह रहा है। तो वो सब सिलेक्ट करने के बाद एकदम ऊपर राइट कॉर्नर में आपको सेव का ऑप्शन है, आपको जस्ट सिंपली सेव में क्लिक करना है।
एंड सेव में क्लिक करने के बाद अभी वॉच में भी एक सिंबल आ जाएगा कुछ ही सेकंड में, आपको इधर कुछ सेकंड वेट करना है। इसके बाद जो हमारा वॉच फेस है वो वॉच में सेट हो जाएगा। तो अभी देखिए जो वॉच फेस है वो अभी वॉच में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारा वॉच में ऑलरेडी सेट हो गया जो हमारा फ़ोटो है। तो आप देख सकते हैं जो फ़ोटो का जो क्वालिटी है एकदम HD क्वालिटी आएगा, बहुत ही शानदार यानी लगेगा। कोई भी फ़ोटो का क्वालिटी कोई कमती नहीं आएगा, एकदम HD क्वालिटी रहेगा। तो इस तरह आप कोई भी फ़ोटो चेंज करना चाह रहा है तो सेम तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है ये वॉच के सेटिंग के बारे में या दूसरा कुछ वॉच के सेटिंग के बारे में, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मेरा इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से जाके भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।